नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था और ये वीडियो में मैंने इतना पूछा था कि क्या टेक्निकल आर्ट यानी प्राविधिक कला बाहर कर सकता है, अगर TGT की वैकेंसी आए तो क्या बाहर कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, नया चयन बोर्ड गठित हुआ है और सारे सिस्टम नए हो रहे हैं, और साथ में इसमें जो माहौल बना है यानी बीएड को लेके, बीएड का परिणाम आप देख ही रहे हैं, कितना मेहनत करके, कितना धांधली सह के लोग बीएड किए, कितना पैसा खर्च करके, कितना जो लोग बीएड नहीं करना चाहते थे, बीएड का ऐसा बहार था कि बीएड उन्होंने किया। उसके बाद बीएड वालों के लेके जहाँ तक अपॉर्चुनिटी उनकी जितना ज़्यादा थी, 100% जो थी उसमें से समझ लीजिए 60% तो गायब कर दिया और 40% ही बीएड वालों को बचा। यहाँ तक कि अगर बात करें तो छोटी छोटी नौकरियों में बीएड ज़रूरी होता था और लोगों की ज़ुबान पर होता था कि बीएड बहुत ज़रूरी है, और बीएड अगर आप करे हो किए हो तभी आप टीचर बन सकते हो। तुरंत टीचर का नाम आता था तो वहाँ पे बीएड का नाम ज़रूर आता था। लेकिन माहौल ऐसा बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, यानी निर्णय ही ऐसा आ गया है कि सभी बच्चे एकदम खिन्न हो चुके हैं, उनका प्रतिभा जो था वो डाउन होता जा रहा है, और जो करने वाले बीएड अभी आगामी करने वाले हैं उनका भी प्रतिभा एकदम डाउन होता चला जा रहा है, वो करना नहीं चाहते क्योंकि ऐसा कंडीशन बन चुका है, यानी बीएड वालों को बाहर कई जगह से बाहर कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से न्यूज आ रहा है, और इसी माहौल को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया कि क्या टेक्निकल आर्ट, क्योंकि बीएड से बड़ी टेक्निकल आर्ट नहीं है, ठीक है, क्या टेक्निकल आर्ट वालों को भी बाहर कर सकता है, क्या क्या किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आपका राय क्या है, अगर किया जाना चाहिए क्यों, और नहीं किया जाना चाहिए था तो क्यों। आपको डीपली में, आप कमेंट में कोई लिमिट नहीं है कि केवल यस और नो में आपको जवाब देना है, आप लिमिट में उसको, अनलिमिट में उसको लिख सकते थे कि मुझे कि ये चीज़ आप जो कह रहे हो ऐसे हो जाए तो और अच्छा है। मैंने आपका सुझाव मांगा था, मैंने आपका राय मांगा था कि आप, तो उसमें बहुत लोग मुझे बोले कि जैसे मैं चयन बोर्ड तो हूँ नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी तो हूँ नहीं कि मैंने जो कह दिया वो होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही था कि जिनकी डिग्री की वैल्यू जितनी है उस हिसाब से उनको जॉब मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। जैसे जिन्होंने हाई स्कूल में कला किया, इंटर में कला किया, ग्रेजुएशन में कला किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कला से ही किए हैं, उसके बाद उन्होंने IGD बॉम्बे आर्ट का भी डिप्लोमा ले रखा है, अलग से इंटरमीडिएट में कला होने के बाद भी टेक्निकल आर्ट कर रखे हैं, और बहुत सारी उन्होंने डिग्री ले रखी है, तो TGT यानी जो हाई स्कूल वालों को पढ़ाएंगे उन, या इंटरमीडिएट PGT जो इंटरमीडिएट को पढ़ाएंगे उन सब के लिए ये वाले जो कला से पढ़े हैं ये एलिजिबल हैं, कि जो BSc कर लिए हैं एक सब्जेक्ट से टेक्निकल आर्ट कर लिए हैं, वो टेक्निकल आर्ट का एक अलग दर्जा बनना चाहिए, एक अलग जगह देना चाहिए कि आप टेक्निकल आर्ट करके प्राइमरी टीचर बन सकते हो या इस जगह इस लेवल पे पढ़ा सकते हो, ना कि ऐसा समकक्ष हो जाए कि जो BFA किए हैं, MFA किए हैं उनके लेवल पे पहुंच जाएं। टेक्निकल आर्ट करने वाले BFA MFA वालों के लेवल पे पहुंच जा रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा आगे पीछे था, मैंने जो बात किया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में भी बस मेरा कहने का तात्पर्य यही। बहुत लोगों का कमेंट आया है, आप लोग कमेंट में भी आप देख सकते हो, तो मैंने ऐसा कोई आपके प्रति गलत मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं तो हमेशा बच्चों के हित के बारे में सोचता हूँ, सभी के हित, मेरे इतने प्यारे भाई हैं, बहन हैं, सब लोग जुड़े हैं हमसे, बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं क्या कैसे आ रहा है, मैं बताता हूँ जो भी मुझसे होता है, मैं उनको सही सही चीज़ें बताता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगा हो कि मैंने उनको भ्रमित किया है, उनके मार्ग से विचलित किया है, तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। मैंने जितना लोगों का कॉल आया है, मैसेज है, मैं सबको अच्छे मार्ग पे ही बताया कि मोटिवेट किया कि अच्छा करिए, जो भी होता है उसको, मुझसे जो भी बन पाया मैं उनका हेल्प किया हूँ। और मेरा YouTube चैनल बनाने का भी यही उद्देश्य था कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, इसलिए मैंने कभी पेड क्लास या और किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं की थी। और ज्योति मैम पढ़ा रहे हैं, जिनको पेड क्लास करना है वो भी वहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं आप करें ही करें या नहीं करें, ठीक है।
अगर आपको करना है सारा सपोर्ट यहाँ पे दिया जा रहा है आपको, बस आपके ऊपर है। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि TGT का एग्ज़ाम कब होगा, तो आपके ऊपर है कि आप तैयार हो एग्ज़ाम देने के लिए। आपका 125 क्वेश्चन रेडी है, अगर आपका 125 क्वेश्चन तैयार है, चाहे जहाँ से पूछा जाए 125 क्वेश्चन आप कर लोगे तो एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा, मान लो साल भर बाद ही हो, तो आप तो साल भर बाद अगर तैयारी है तो टीचर बन जाओगे ना, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो आप क्या करोगे, ये सब दिक्कत है। इसलिए मैं आपसे बस यही कहूँगा कि तैयारी प्रॉपर अच्छे से बनाए रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस सेट करिए, अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे लोगों से सलाह लीजिए। और बहुत स्टूडेंट ऐसे जो कि मेरा मन दुखी हुआ, ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार वाले अब सपोर्ट करने से थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, तो मैं हाथ उनसे जोड़ता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को, भविष्य को देखते हुए उनको थोड़ा सा सपोर्ट और कर दीजिए, वो अच्छे से और आगे बढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और सफलता लेके रहेंगे। कोई डिग्री छोटी और बड़ी नहीं होती, कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता, हर क्षेत्र में आज नीरज चोपड़ा को देखिए, उन्होंने इतनी बार गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं कि उस क्षेत्र में लोग, घर घर के लोग जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पहले कोई ये नहीं सोचा था कि इस लेवल पे भी पहुंचा जा सकता है। तो कोई देखिए लेवल छोटा नहीं होता, कोई रास्ता ख़राब नहीं होता, आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हो, आपकी दिल के अंदर जो भी इच्छाएँ, उस रास्ते पे जाइए, मेहनत करिए और सफलता लीजिए, और आपके पीछे हजारों लोग दौड़ेंगे उसी रास्ते पे चलने के लिए। बस आप स्टार्ट करिए और घर वाले थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही, और जो भी होगा आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो भी वीडियो बनता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, सब आपको टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब पे, सभी जगह आपको दिया जाएगा। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।